और रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को किया जाए गिरफ्तार। कठुआ दुष्कर्म मामले में बच्ची के परिवार ने छोड़ा गांव, सीएम ने कहा फांसी की सजा वाला कानून लाएंगे। कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, कहा वकील को केस में पेश होने से नहीं रोक सकते। गैंगरेप पर भड़के सितारों ने शुरू किया कैंपेन, कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं शर्मिंदा हूं। नागरिकों की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने श्रीनगर में बंद का ऐलान किया, सुरक्षा की गई सख्त। श्रीनगर में हिंसा की आशंका, कई इलाकों में लोगों को आने जाने पर पाबंदी। पीएम मोदी की हरी झंडी, अब देश भर के स्कूलों में शुरू होगा सेक्स एजुकेशन। आप विधायकों के लाभ पद मामले की 17 मई को सुनवाई करेगा निर्वाचन आयोग। कल पूरी तरह बदल जाएगा भीम ऐप, कैशबैक और इंसेंटिव से लोगों को आकर्षित करेगी सरकार। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में अंबेडकर जयंती से पहले बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ी, इलाके में तनाव। शिवराज सिंह को मिला सुप्रीम झटका, सुप्रीम कोर्ट ने के मिश्रा के खिलाफ मानहानि प्रकरण को खारिज किया, सजा भी खत्म की। राजस्थान में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप, आरोपियों ने वारदात का वीडियो किया वायरल। पाक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आजीवन राजनीति नहीं कर सकेंगे नवाज शरीफ। सऊदी अरब में पहला फैशन वीक शुरू, सिर्फ महिलाएं देख सकेंगी कैटवॉक। शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए बाजार, सेंसेक्स 161 अंक उछला, निफ्टी 10,450 के पार बंद। रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़, टीसीएस बनी नंबर वन कंपनी। भारत में लॉन्च होगा 2 लाख का स्कूटर, लंब्रेटा जैसा होगा डिजाइन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान, न्यूटन सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, श्रीदेवी को मॉम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का मिला अवार्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहलवान बजरंग पुनिया ने दिलाया 17वां गोल्ड, पूजा ढांडा और मौसम खत्री को मिला रजत।